आज हम बनाएंगे सेवई कस्टर्ड फालूदा। बहुत ही यम्मी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस गर्मियों के सीजन में आप भी इसे बनाकर देखिए, यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 चम्मच सब्जा सीड्स लेंगे और इन्हें हम पानी में अच्छे से भिगो देंगे। अब यहाँ एक दूसरे बाउल में हम 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्ब्स ना रहें। दूध हमने यहाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लिया है, तो इसे भी हम मिक्स करके साइड में रखेंगे। अब यहाँ एक पैन में हम 1 चम्मच घी लेंगे। घी हल्का सा गर्म होने पर हम इसमें 1 कप वर्मीसेली डालेंगे, यानी सिवैया डालेंगे, और इन्हें अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा सेक लेंगे। इसे लगातार चलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिकी हुई वर्मीसेली का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप ये प्रोसीजर स्किप कर दीजिए। तो इसे सेकते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छा गोल्डन कलर आने लग गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें मिल्क डालेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कप फुल फैट मिल्क लिया है। तब इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छी सी उबाल नहीं आ जाती और सिवैयाँ अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। सिवैयाँ अगर सिकी हुई है तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 5 से 6 मिनट में ही सिवैयाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप चीनी लिए। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो जाने पर अब इसमें कस्टर्ड मिल्क पाउडर वाला मिल्क डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। तो यहाँ सिवैयाँ काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो 10 से 15 मिनट हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ सिवैयाँ ठंडी होकर गाढ़ी हो चुकी है, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही हमारे सब्जा सीड्स भी काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलिए इन्हें असेंबल करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ सर्व करने के लिए कांच के ग्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, आप इसे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जा सीड्स अरेंज करेंगे। अब इसके ऊपर हम रूह अफ़ज़ा या रोज़ सिरप डालेंगे। सब्जा सीड्स अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी इंजॉय कर सकते हैं। अब ऊपर से हम इस पर सेवई कस्टर्ड डाल देंगे। अब इस पर हम बारीक कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स यहाँ आप अपनी चॉइस के कोई से भी ले सकते हैं, या फ्रूट्स की जगह आप आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रीन और ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं, थोड़े से बारीक कटे हुए एप्पल, बनाना, थोड़े से बारीक कटे हुए मैंगो के पीसेस डालेंगे और अब ऊपर से हम कुछ अनार के दाने डालेंगे। फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी वापस इस पर हम सेवई कस्टर्ड डालेंगे और ऊपर से हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर टूटी फ्रूटी डालेंगे। आप इस पर अपनी पसंद की कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो देखने में लग रही है ना बहुत ही यम्मी, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस गर्मियों के सीजन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।